गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिंस त्यागी एमईसी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन यानी कि सरल रेखा के प्रक्षेप के बारे में। ये इस टॉपिक पर हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपने हमारा इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में पोजीशन ऑफ लाइन के बारे में डिस्कस किया था कि जो लाइन है जो उसकी पोजीशंस क्वाड्रेंट्स के बीच में कैसे हो सकती है। तो पहला केस है पैरेलल टू बोथ द प्लेन, यानी कि जो दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन होते हैं उनके पैरेलल हो सकती है लाइन, समांतर हो सकती है, या फिर एक के पैरेलल और एक के परपेंडिकुलर हो सकती है। और तीसरा केस है कि एक तल के वो समांतर हो और दूसरे तल से वो अवनत हो यानी कि इंक्लाइंड हो। तो ये तीनों ही केस हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और उनका प्रक्षेप कैसे बनाना है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इसका नेक्स्ट एक केस है वो है अगर लाइन दोनों ही प्लेन से इंक्लाइंड हो, तो इसको हम अब इस आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करें। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये लाइन हमें एक दी गई है ए बी, ये लाइन है ए बी, और आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन ए बी है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी एक एंगल पर है जो थीटा, और जो वर्टिकल प्लेन है उससे भी एक एंगल है पे है जिससे को हमने डिनोट किया है फाई से। यानी कि जो लाइन ए बी है वो लाइन ए बी दोनों ही प्लेन से एंगल बना रही है, एक प्लेन से थीटा और एक प्लेन से फाई। तो ऐसे केस में हम प्रोजेक्शन कैसे बनाएं? अगर आप देख रहे हैं कि हमने बी पॉइंट का प्रोजेक्शन बनाया, अगर हम इसको यहां से देख रहे हैं तो बी पॉइंट का प्रोजेक्शन हमने ड्रॉप किया वर्टिकल प्लेन में, ऐसे ही ए का बनाया तो हमें दो पॉइंट मिल जाएंगे ए डैश और बी डैश, और इन दोनों को ज्वाइन करके हम इनके प्रोजेक्शन बना सकते हैं। ऐसे ही इनके जब हम टॉप व्यू बनाएंगे तो ऊपर से इसको देखकर इनके प्रोजेक्शंस बना सकते हैं, और ऐसे ही ए का भी प्रोजेक्शन है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों हमें मिल जाएंगे। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम क्या है, आप देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्शन का एंगल है वो अल्फा है और टॉप व्यू में ये एंगल है बीटा। तो ये एंगल्स हमें मालूम नहीं है, हमें एंगल्स क्या मालूम है, थीटा और फाई, जो कि लाइन बना रही है किससे, हॉरिजॉन्टल प्लेन से और वर्टिकल प्लेन से। जब लाइन दोनों प्लेन से इंक्लाइंड होती है तो जो प्रोजेक्शन में बनने वाला एंगल है यानी कि ये अल्फा, ये अलग होता है और इसको हम बोलते हैं अपेरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो अगर हमें प्रोजेक्शन बनाना है तो हमें क्या करना है, एक्स वाई लाइन हम ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल प्लेन ऊपर होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट होके कहां जाएगा, नीचे। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल प्लेन में यानी कि टॉप व्यू। तो ये वाली जो लाइन है ये डिस्टेंस जो है आप देख रहे हैं, इतना डिस्टेंस हम नीचे मार्क करेंगे और वहां से फिर ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे और ये एंगल कितना होगा, बीटा, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं। ऐसे ही हम इसका टॉप व्यू भी बना सकते हैं, सॉरी फ्रंट व्यू बना सकते हैं, और ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। ओके, बट ये जो अल्फा और बीटा हैं ये दोनों ही एंगल हमको मालूम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये दोनों एंगल नहीं दिए जाते हैं, हमें एंगल कौन से दिए जाते हैं, थीटा और फाई। और ये जो एंगल अल्फा एंड बीटा है इनको हम बोलते हैं अपेरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो इफ द लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स इट्स प्रोजेक्शंस आर शॉर्टर देन ट्रू लेंथ। तो जैसा कि हम
हमारे पिछले लेक्चर्स में भी बताते आए हैं कि अगर कोई भी लाइन प्लेन के साथ इंक्लाइंड है तो जो उसके प्रोजेक्शन है वो क्या होंगे, शॉर्टर होंगे ट्रू लेंथ से, यानी कि जो उसकी एक्चुअल लंबाई है उससे छोटे प्रोजेक्शन बनेंगे। एंड इंक्लाइंड टू एक्स वाई एट एंगल्स ग्रेटर देन ट्रू इंक्लिनेशन, और जो एंगल होंगे वो एक्चुअल इंक्लिनेशन से ज्यादा होंगे, यानी कि जो अल्फा और बीटा है वो क्या है, वो ज्यादा होंगे थीटा और फाई से, और इनको बोलते हैं अपेरेंट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब क्योंकि हमें अल्फा और बीटा दोनों की ही वैल्यू नहीं मालूम है तो हम इस केस में प्रोजेक्शन कैसे बना सकते हैं। इस केस में प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम दो स्टेप्स का यूज करते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि जो लाइन ए बी है वो सिर्फ एक प्लेन से इंक्लाइंड है, ना कि दोनों से। जैसे हम इनिशियली मान लें कि जो लाइन है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है और उसके प्रोजेक्शन बना लें। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम मान लें कि लाइन सिर्फ वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है और उसके प्रोजेक्शन बना लें। उसके बाद इन दोनों प्रोजेक्शन की मदद से हम फाइनल जो प्रोजेक्शन है उनको हम ड्रॉ करते हैं। तो इसको हम एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है, एक लाइन है ए बी जिसकी लंबाई 70 एमएम दी हुई है। इसका एक सिरा ए जो आप यहां पर देख रहे हैं, जो सिरा ए है वो 20 एमएम है अबव एचपी, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्षैतिज तल से 20 एमएम ऊपर है, यानी कि जो ये दूरी है ये कितनी दी हुई है 20, एंड 30 एमएम इन फ्रंट ऑफ वीपी, और जो वर्टिकल प्लेन है यानी कि ऊर्ध्वाधर तल है उससे कितनी दूरी पर है 30। तो ये डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दी गई है। लाइन इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हमें थीटा कितना दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से लाइन कितनी इंक्लाइंड है 45, एंड 30 डिग्री टू वीपी, और ये कितना दिया हुआ है, फाई हमें दिया हुआ है 30। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड शो ट्रेसेस। तो हमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है ए बी 70 एमएम, थीटा हमको दिया हुआ है 45 एमएम डिग्री, और फाई दिया हुआ है 30 डिग्री। अब इन डाटा की मदद से हमें प्रोजेक्शंस बना लें। तो सबसे पहले स्टेप है हमारा स्टेप वन, कंसीडरिंग लाइन ए बी इज इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन ओनली एंड पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन। तो हम सबसे पहले क्या मान रहे हैं कि जो हमारी लाइन ए बी है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है यानी कि थीटा, और ये वैल्यू हमें कितनी दी हुई क्वेश्चन में 45 डिग्री। हमने अभी जो वर्टिकल प्लेन से एंगल है फाई उसको जीरो मान लिया है। लंबाई ए बी हमें मालूम है 70 एमएम है, हाइट हमें मालूम है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, और वर्टिकल प्लेन से इसकी लाइन की भी जो दूरी है वो भी ए पॉइंट की लोकेशन हमको मालूम। तो अब ये हमारा केस बिल्कुल वैसे हो गया जो हमने हमारे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। तो अब हमें अगर ए बी लाइन के प्रोजेक्शन बनाने हैं तो फ्रंट व्यू के लिए हम यहां से देखेंगे और टॉप व्यू के लिए हम यहां से देखेंगे। तो अभी ये हमारा बिल्कुल सिंपल है ए बी के प्रोजेक्शंस, क्योंकि वीपी वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है तो वहां पर हमें क्या दिखेगी, ट्रू लेंथ, और ये एंगल पूरा दिखेगा, और टॉप व्यू में हमें शॉर्टर लेंथ दिखेगी। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई, उसके बाद में वर्टिकल प्लेन ऊपर आएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे आएगा क्योंकि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। उसके बाद एक पॉइंट मानेंगे जहां से हम ए के प्रोजेक्शंस लेंगे, और ये हाइट कितनी है, ये डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी ये डिस्टेंस दी गई है। अगर हम पीछे जाके देखें तो ये डिस्टेंस हमें दी गई है कितनी, 20 एमएम ऊपर है, तो हम 20 एमएम लाइन ऊपर खींचेंगे, और ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, ए। अब हमें क्या करना है, एक यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और ये एंगल बनाएंगे थीटा, कितना 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे, ये पॉइंट है हमारे पास में ए डैश। अब इस लाइन पे हमें ए बी को कट करना है, कितना 70 एमएम, तो ए डैश से बी डैश की पॉइंट हमें बनाना है
और उसकी दूरी कितनी है, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में हमें ट्रू लेंथ दिखेगी, तो हम कितना कट करेंगे 70 mm। तो एक लाइन हम कट करेंगे 70 mm, ये हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, बी डैश। और अगेन यहां से हम एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर देंगे कहां तक, एक्स वाई तक। तो ये हमारी कितनी है, ये 70 mm है, ये हमारी ट्रू लेंथ है किसकी, एबी की, क्योंकि लाइन जो है वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। अब टॉप व्यू बनाना है जो हमें कहां दिखेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो यहां से हमें कितना डिस्टेंस लेना है, 30 mm, क्योंकि पॉइंट ए हमारा कितना आगे है, 30 mm आगे। और ये हाइट कितनी थी, ये थी हमारी 20 mm। 30 mm हमने यहां से लाइन ड्रॉ करी, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये पॉइंट कौन सा है, ए। ये यहां से हॉरिजॉन्टल जाएगा और बी डैश और बी पॉइंट जो है वो दोनों एक ही लाइन में होंगे, तो हम इस प्रोजेक्शन को लाइन को नीचे तक एक्सटेंड कर देंगे और इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये लाइन हमको मिल गई ए बी। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। अगर हमारी लाइन ए बी सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है और वर्टिकल प्लेन के पैरेलल। सो इसको कंप्लीट करने से पहले अभी हम क्या करेंगे, इसका जो नोमेनक्लेचर है जो भी हमने रखे थे उसको मार्क कर देंगे। ये बी वन डैश रखेंगे क्योंकि ये हमारे फाइनल प्रोजेक्शन नहीं है, फाइनल प्रोजेक्शन आएंगे उसको हम बी डैश रखेंगे। तो ए पॉइंट का तो हमें प्रोजेक्शन मालूम है फाइनल, बट बी पॉइंट का नहीं है, तो इसे हम बी वन डैश रखेंगे। ऐसे ही ये ए और यहां पर बी वन। उसके बाद डायमेंशंस, जो वर्टिकल प्लेन है वहां पर हमने ट्रू लेंथ मार्क की थी 70 mm, और ये डिस्टेंस कितनी है 20, अगेन ये डिस्टेंस कितनी है 30। तो इस तरीके से हमारे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। और साथ ही एक लाइन हम यहां पे ड्रॉ करेंगे इस बी वन डैश से होते हुए एक्स वाई के पैरेलल, यानी कि जो बी पॉइंट है उसके प्रोजेक्शन हमें इसी लाइन पर मिलेंगे, लेकिन कहां पर वो हमें नहीं मालूम। जो फाइनल प्रोजेक्शन है वो हमें इसी लाइन पर कहीं मिलने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, कंसीडरिंग द लाइन ए बी इज इंक्लाइन टू वीपी ओनली एंड पैरेलल टू एचपी। सेकेंड स्टेप है, अब हम मान रहे हैं कि जो ए बी है लाइन वो सिर्फ वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है, कितना क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 30 डिग्री। ये डिस्टेंस हमें 20 दी हुई है और ये डिस्टेंस हमें दी हुई है 30। अभी हमने माना है कि लाइन वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है। तो अब हमें जो इसकी एक्चुअल लेंथ है, ट्रू लेंथ दिखेगी कहां पर, टॉप व्यू में। तो जो पिछले स्लाइड पे हमने पहले स्टेप में डायग्राम बनाया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में व्यू बनेगा, टॉप व्यू, हम नीचे की तरफ बनाते हैं, एक लाइन खींचेंगे, कितने पर, ये एंगल होगा 30 डिग्री। उसके बाद इस पर हम ट्रू लेंथ को कट करेंगे, यानी कि कितनी 70 mm। एक बार दोबारा बताते हैं कि हमें टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है इसको ड्रॉ करना है। ये डिस्टेंस कितनी है 30, जो हम ऑलरेडी इस पॉइंट से ड्रॉ कर चुके हैं ए पॉइंट पर आने के लिए। ए पॉइंट से लाइन कितना इंक्लाइंड है 30 डिग्री, हमने एक लाइन खींची और उससे जो ए बी लेंथ है 70 mm उसको हमने मार्क करके कट कर लिया। ओके, अब इसका जो दूसरा सिरा है उससे हमने प्रोजेक्शन ड्रॉप कर दिए कहां तक, एक्स वाई लाइन तक। उसके बाद जो इसका टॉप व्यू है वो हम बनाएंगे, वो डिस्टेंस कितनी है 20 mm। ये डिस्टेंस जो है एक्स वाई लाइन से कितनी है, ये 20 mm ऊपर है ए डैश, तो वो हमारा ऑलरेडी पिछले स्टेप में बन गया था। अब क्योंकि ये लाइन एचपी के पैरेलल है, तो जो दूसरा सिरा है वो भी एक्स वाई से कितने ऊपर है, 20 mm ही ऊपर होगा, क्योंकि ये जो दूरी है ये वाली और ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है, इसीलिए जो इसके दोनों ए पॉइंट और बी पॉइंट है वो एक्स वाई लाइन से या हॉरिजॉन्टल प्लेन से एक समान ऊंचाई पर है। तो दूसरा पॉइंट हमें कहां मिलेगा,
इसी लाइन को अगर हम आगे एक्सटेंड कर दें, कहां तक, इस बी के दूसरे पॉइंट के जो हमें यहां पर मिला बी का प्रोजेक्शन उसके एक्सटेंड कर दें, तो यहां पर हमें क्या मिल गया, बी डैश। तो इस तरीके से हमारे दोनों प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गए। एक बार हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल इंक्लाइंड मान लिया लाइन को, और एक बार हमने वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड मान लिया, और दोनों के प्रोजेक्शन हमने बना लिए। अब इनकी मार्किंग कर देते हैं। तो यहां पर भी हमें कितना ट्रू लेंथ मिला था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमें ट्रू लेंथ दिख रही थी लाइन की, और इनके जो हमारे दूसरे सिरे हैं लाइन को, उनको हमने बी टू और बी टू डैश से शो किया है, क्योंकि ये भी हमारे फाइनल प्रोजेक्शंस नहीं है। अगेन एक लाइन हम यहां से बी टू से पास होते हुए बना देंगे जो एक्स वाई की पैरेलल होगी, यानी कि जो बी का जो प्रोजेक्शन होगा वो इसी लाइन पर कहीं ना कहीं है जो हमें मालूम नहीं है। ऐसे ही बी डैश का प्रोजेक्शन इसी लाइन पर है जो कि हमें अभी ट्रेस करना बाकी है। तो तीसरा स्टेप है हमारा फाइनल प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा डायग्राम हमारा दूसरा स्टेप में कंप्लीट हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि ये बी टू डैश का प्रोजेक्शन यहां आया है, इसको ए डैश को सेंटर मानते हुए और बी डैश टू को रेडियस लेते हुए हम एक कर्व बनाएंगे जो कट करेगा इस लाइन को, जो किससे पास हो रही है, बी वन डैश। ऐसे ही बी वन डैश से को रेडियस, ए बी वन को रेडियस मानते हुए यहां से एक कर्व बनाएंगे जो कहां पे कट करेगा, इस लाइन को जो बी टू डैश से पास कर रही, और ये जो पॉइंट हमें मिल रहे हैं जहां पर ये कट हो रहे हैं, इनको हम किससे ज्वाइन कर रहेंगे, ए डैश से, इस तरह से, और इधर भी ऐसे। ये क्या है, ये हमारे फाइनल पोजीशन है। इधर हमें क्या मिल जाएगा, बी डैश, और इधर मिल जाएगा बी टू, ओ सॉरी बी। तो इस तरीके से हमारे ये फाइनल प्रोजेक्शंस बन जाएंगे। एक बार फिर दोबारा इसको समझते हैं क्या करना है। ये हमारे दो स्टेप में हमने कंप्लीट किया। पहले जो आपको ब्लू वाली लाइंस दिख रही हैं, ये हमने माना था कि लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है और हमने प्रोजेक्शन बना लिए। उसके बाद जो रेड वाले प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, ये हमने दूसरे स्टेप में बनाए थे जब हमने माना कि लाइन वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड है। अब हमें फाइनल प्रोजेक्शन ड्रॉ करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए डैश को सेंटर मानेंगे, बी टू डैश को रेडियस मानते हुए एक कर्व बनाएंगे, और ये कर्व वहां तक लेके जाएंगे जहां पर ये बी वन डैश से जो लाइन होके जा रही है इसको कट कर दें। ऐसे ही नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ए को सेंटर मानते हुए बी वन डैश को रेडियस लेंगे और एक कर्व बनाएंगे। अभी इससे पहले ऊपर वाला ही स्टेप कंप्लीट करते हैं कि जहां पर ये इस लाइन को कट कर रहा है उसको हम मानेंगे फाइनल प्रोजेक्शन यानी कि बी डैश, और ए डैश से बी डैश को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोजेक्शन। और ये जो एंगल अभी बन रहा है, ये एंगल बन रहा है अभी अल्फा। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो एंगल अल्फा है वो हमारे थीटा से ज्यादा है। तो हमारे फाइनल प्रोजेक्शन आ गए जो जिसको हमने डार्क ब्लैक लाइन से दिखाया है। अगेन नीचे की तरफ हम ए को सेंटर मानते हुए बी वन डैश को रेडियस मानेंगे और एक कर्व बनाएंगे जहां तक कि ये कर्व इस लाइन को कट करे जो बी टू पॉइंट से जा रही है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे बी, और ए से इसको ज्वाइन करेंगे और ये हमारे फाइनल पोजीशन आ जाएंगे, और ये एंगल हमारा बन जाएगा बीटा। और ये बीटा आप देख रहे हैं किससे ज्यादा है, फाई से। तो यही हमने हमारी पहली स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो एंगल्स हैं, एपरेंट एंगल्स हैं प्रोजेक्शन के, वो ज्यादा होते हैं जो इंक्लिनेशन हमें प्लेन से मिलता है। तो इस तरीके से हमारे ऐसी लाइन जो दोनों प्लेन से इंक्लाइंड है उसके प्रोजेक्शन बना सकते हैं। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था एक और चीज। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो बी डैश है और बी है वो दोनों एक ही लाइन में है, बिल्कुल एक सीध में है। तो हमारे प्रोजेक्शंस की जो कंडीशन है कि एक पॉइंट के प्रोजेक्शन एक ही लाइन में आते हैं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो वो भी ये मीट कर रहे हैं।
कि एक ही लाइन में बी और बी डैश होंगे, अगर बी से लाइन खींचेंगे तो वो बी डैश तक जाए। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, ड्रॉ ट्रेसिस। अब ट्रेसिस क्या होते हैं? When a line is inclined to a plane, it will meet that plane, may be extended if necessary. यानी कि अगर कोई लाइन किसी प्लेन के साथ इंक्लाइंड है तो वो उस प्लेन को कहीं ना कहीं जाके टच करेगी या कट करेगी अगर हम उसको एक्सटेंड कर दें, अगर जरूरत पड़े तो। द पॉइंट इन विच द लाइन और लाइन एक्सटेंडेड मीट्स द प्लेन इज कॉल्ड ट्रेस। तो वो पॉइंट जिस पर लाइन प्लेन को जाके कट करती है या मीट करती है उसे हम बोलते हैं ट्रेस। यहां पर आप देख सकते हैं ए बी लाइन है, ये इंक्लाइंड है किससे? वर्टिकल प्लेन से। तो जब हम इसको बढ़ा रहे हैं आगे तो ये आगे जाके नीचे प्लेन को कट कर रही है। ऐसे ही ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से एक एंगल बना रही है, आप देख सकते हैं ये एक एंगल है, मान लीजिए थीटा है। तो जब हम इस लाइन को नीचे की तरफ इंक्लाइन करेंगे तो ये क्या होगा, यहां पे जाके हॉरिजॉन्टल प्लेन को टच कर जाएगी। इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे ये लाइन जाकर हॉरिजॉन्टल प्लेन को टच कर रही है उसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रेस। अब क्योंकि ये लाइन वर्टिकल प्लेन से भी इंक्लाइंड है फाई, तो ये आगे कहीं जाकर वर्टिकल प्लेन को भी टच कर रही है जब हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रेस। यानी कि अगर कोई लाइन किसी प्लेन से इंक्लाइंड है तो उसे जब हम आगे बढ़ाते हैं तो वो उस प्लेन को जाकर टच करती है और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रेस। तो इसको अगर लाइन के प्रोजेक्शन में कैसे बना सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि अगर ये लाइन है, इसको इंक्लाइंड लाइन है, इसको हमने एक्सटेंड किया तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को यहां पर टच कर गई। ये हमें प्रोजेक्शन में भी दिखेगा यहां पर, तो जहां पर भी आपका फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन को टच करता है वहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें नीचे की तरफ तो वो हमें कहां मिलेगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ऐसे ही अगर जो टॉप व्यू है उसको अगर हम एक्सटेंड कर दें एक्स वाई लाइन तक और फिर उसको ड्रॉप करें तो वो हमें कहां मिल जाएगा, वर्टिकल ट्रेस। तो हमारे क्वेश्चन में समझते हैं, ये हमने प्रोजेक्शन फाइनल बना लिए तो हमें क्या करना है, इसके ट्रेसेस बनाने हैं। तो सबसे पहले जो टॉप व्यू है, सॉरी फ्रंट व्यू है ए डैश बी डैश, इसको हम एक्सटेंड करेंगे। हमने एक्सटेंड किया तो ये जो पॉइंट जहां पर इसने एक्स वाई लाइन को कट किया उसको हम बोलते हैं एच, या स्मॉल एच से उसको दिखाते हैं। और ऐसे ही हमने इसके टॉप व्यू को भी एक्सटेंड कर दिया, कहां तक, जहां तक इसने एक्स वाई लाइन को कट किया। तो जहां पर एक्स वाई लाइन को कट किया फ्रंट व्यू ने उसको हमने स्मॉल एच बोला, और यहां से हमने प्रोजेक्शन को ड्रॉप किया कहां पर, टॉप व्यू वाले को। तो जहां इसने टॉप व्यू को कट किया उसको हम बोलते हैं क्या, एच टी या हॉरिजॉन्टल ट्रेस। और जहां पर टॉप व्यू एक्स वाई लाइन को कट करता है वहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें कहां तक, दूसरे प्रोजेक्शन तक, तो उसको हम बोलते हैं क्या, वर्टिकल ट्रेस। तो इसमें हमें बेसिकली करना क्या है कि जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं उनको हमें सबसे पहले कहां तक एक्सटेंड करना है, एक्स वाई लाइन तक। तो जहां पर फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन को कट करेगा उसको हमने स्मॉल एच दिया है, और जहां पर टॉप व्यू जाकर एक्स वाई लाइन को कट करेगा वो हो गया वर्टिकल ट्रेस, उसकी मदद से बनेगा, उसको हमने स्मॉल वी। अब इन पॉइंट से हमें अपोजिट प्रोजेक्शन पर, जैसे ये यहां पर हमारा फ्रंट व्यू से मिल रहा है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसकी तरफ, टॉप व्यू के प्रोजेक्शन की तरफ, और टॉप व्यू वाले प्रोजेक्शन से ड्रॉ करेंगे दूसरी तरफ जो हमारा आ रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल फ्रंट व्यू का जो प्रोजेक्शन आ रहा है, और उसको हम बोलेंगे वर्टिकल ट्रेस। तो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेसेस भी बना सकते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आप हमें बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमारे जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।